चलो रंग भरना सीखते हैं इन अद्भुत रंगीन क्रेयॉन्स के साथ। जामुनी, चलो देखें इसके अंदर क्या है। वाह, इतने सारे गमबॉल। हमारा पहला सरप्राइज है स्लैप ब्रेसलेट, जो कि ट्रक के आकार का है। चलो इसे सीधा करते हैं ताकि इसे पहन सकें। ये स्लैप ब्रेसलेट है इसलिए इसे पटक कर पहनते हैं ऐसे। हाँ अच्छा है, लगता है एक और सरप्राइज है। चलो देखते हैं, ये जामुनी गेंद है और इसके अंदर सोढ़े वाली बिल्ली है। चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिला है। इसे थोड़ा दबा कर खोलना पड़ेगा। लगता है हमें कोला वाली बिल्ली मिली है और इसका नाम है किटी कोला। ये है बिल्ली सोडे के आकार में हरा। चलो देखते हैं कि हरे क्रेयॉन में क्या है। मुझे कुछ महसूस हो रहा है। ये तो छोटा स्कूटर है, लगता है इसमें कुछ अधूरा है, इसे ड्राइवर चाहिए। देखो ये हेलो किटी का दोस्त करोपी है और ये हमारे स्कूटर का ड्राइवर है। देखो ये कितना प्यारा है। अगर उसे प्यास लगती है तो इसलिए उसके पीछे नारियल पानी है। चलो इसे भेजो। अभी इसके अंदर एक और सरप्राइज बाकी है, चलो देखते हैं। ये है हरा प्लेडो। चलो इससे कुछ बनाकर देखते हैं। पहले इसे चपटा कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक बेलन चाहिए। अब हमारा प्लेडो चपटा हो गया। डायनासोर कटर, डायनासोर हड्डियां, चलो अब फालतू प्लेडो को हटा दो। अब हमारा डायनासोर देखो, देखो ये टी-रेक्स है। चलो अब प्लेडो को रख देते हैं ताकि ये सूख ना जाए। लाल, चलिए देखते हैं कि लाल क्रेयॉन में क्या है। लगता है यहाँ कुछ बड़ा है। वाह उसे देखो, ये है फ्रेटनेट, माइटी एक्सप्रेस ट्रेन रेस्क्यू टीम से। इसके ऊपर घुमावदार बाजू है जो बचाव कार्य में सहायता करती है। चलिए फ्रेटनेट को रेलगाड़ी का ट्रैक देते हैं। अब हम देख सकते हैं कि वो क्या कर सकता है। ये गया। फ्रेटनेट भारी होने के साथ साथ तेज भी है। बहुत बढ़िया नेट, तुम्हारा मिशन पूरा हुआ। अब हम रेल ट्रैक को हटा देंगे और देखते हैं कि अगला सरप्राइज क्या है। अरे वाह, ये तो लाइटनिंग मैक्वीन है, पुल बैक रेस कार। चलो अब इसे पीछे धकेलते हैं और देखते हैं कि ये क्या करता है। अरे वाह, वो गम बॉल्स लाइटनिंग मैक्वीन के आगे कुछ भी नहीं है। पीला, चलो देखते हैं कि पीले क्रेयॉन में क्या है। ये है क्रूज रमीरेज, लाइटनिंग मैक्वीन के साथ रेस लगाने के लिए। ये पानी वाले खिलौने हैं इसलिए इनके साथ पानी में खेलते हैं। पीछे धकेलो और फिर यहाँ भेज दो। वाह ये रेस कार तो तैर रही हैं। पानी में चलाकर तो बहुत मजा आ रहा है। अच्छी बात यह है कि टैंक में कोई मछली नहीं है, नहीं तो बहुत डर लगता। और अब आखिरी चक्कर, ठहरो वो अलग दिशाओं में जा रहे हैं। यहाँ अब ठीक है। वाह ये बढ़िया था, लगता है इन्हें बहुत मजा आया। पर पीले क्रेयॉन में अभी एक और सरप्राइज बाकी है, चलो देखते हैं क्या है। अरे ये क्या हो सकता है, ये पीला केला है। चलिए केले को छीलकर देखते हैं कि इसमें क्या है। मुझे इसके अंदर चार अलग अलग टुकड़े दिख रहे हैं। पहले टुकड़े पर किटी लिखा है, इसमें कोई पशु होगा। क्या तुम्हारे घर में बिल्ली या कुत्ता है? अगर है तो उनका नाम क्या है?
ये सोने का चमकदार पीस कितना अच्छा लग रहा है। इस पर लिखा है मॉमी, मम्मीज खास होती हैं। और केले परिवार का अगला सदस्य है डैडी, और ये डैडी बनाना मैन है। इसे तीन बार तेज बोलने की कोशिश कीजिए। और परिवार का आखिरी सदस्य है बेबी। क्या आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है? और अब गुलाबी, चलो देखते हैं गुलाबी क्रेयॉन में क्या है। और गमबॉल, हम जानते थे कि ये होंगी। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा सरप्राइज है। यहाँ कुछ है, मुझे महसूस हो रहा है। ये मुझे मिल गया। ये बीनी बू स्काई है पा पेट्रोल से। स्काई ऊंचा उड़ने वाला पप है और ये हवाई बचाव में मदद करती है। चलिए देखते हैं क्या गुलाबी क्रेयॉन में अभी भी कुछ बचा है। ये अंडे जैसा लग रहा है। हाँ वही है, ये हैचिमल अंडा है और इस पर बैंगनी दिल बना है। आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। मुझे कुछ हरे रंग का दिखा पर पता नहीं क्या है। ये खुल गया। आ जाओ छोटे बच्चे, लगता है ये हरा मेंढक है जिसके गुलाबी पंख हैं। ये साधारण नहीं है और कहीं नहीं मिलेगा, यानी हम भाग्यशाली हैं। हमने सभी छोटे क्रेयॉन खोल लिए और अब बारी है बड़े नीले क्रेयॉन की। कैसे हो नीले क्रेयॉन? मैं तुम्हें अपने अंदर दिखाए बिना नहीं रह सकता। हाँ हम भी देखना चाहते हैं। लगता है इसके अंदर और भी चीजें होंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा है। वो देखो, हमारा पहला सरप्राइज है वुडजीज बेबीज ब्लाइंड बॉक्स। इसमें बहुत सारे जानवर हो सकते हैं, डिब्बा, गाय, गिलहरी। चलिए देखें हमें क्या मिला। ये छोटा बैग है, इसके अंदर बेबी हो सकता है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। बताओ इसके अंदर कौन सा जानवर हो सकता है? ये तो किटी है। क्या तुम सही थे? देखो इस प्यारे बिल्ली के बच्चे को, इसका नाम है लैला। और ये ब्लाइंड बॉक्स इसके लिए बिस्तर का काम करेगा, है ना कितना प्यारा। लगता है ये भूखी है, इसे थोड़ा दूध देते हैं। लो पेट भर गया, अब ये थोड़ी देर सो सकती है। और नीले क्रेयॉन में हमारा अगला सरप्राइज है लिटिल फ्लूट का। देखना पहियों को दबाने के बाद क्या होगा। इसमें बत्तियां जलती हैं और आवाजें आती हैं, बहुत सुंदर। और दरवाजे सचमुच खुलते और बंद होते हैं। वाह ये तो बहुत शानदार है। चलो अब इस नीली गाड़ी को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। अरे उसे जाते देखो। चलिए देखते हैं क्या अभी भी क्रेयॉन में कुछ बचा है। यहाँ है, ये एक क्यूब है जिस पर सुपरमैन बना है। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है इसमें जरूर कुछ होगा। चलो इसे खोल कर देखते हैं। वाह दुनिया में क्या रखा है। लगता है ये गुड़िया के टुकड़े हैं। बता सकते हो ये कौन है? चलो इसे जोड़कर पता लगाते हैं। ये कोई भी हो पर इनकी ड्रेस बहुत सुंदर है। इनके बालों पर स्नोफ्लेक है, क्या ये कोई संकेत देते हैं? ये इनका चेहरा है पर बालों के बिना ये थोड़ी अजीब सी लग रही है। ये रहा, चलो इसे लगा दो। लगता है मैं इन्हें जानता हूँ। क्या आप जानते हैं? मैं इनकी बाजू लगाता हूँ, तब तक आप सोचते रहिए। ये एल्सा है फ्रोजन से, ओलफ द स्नोमैन के साथ। मुझे यकीन है कि तुम जानते थे, है ना? इनकी नीली क्रिस्टल की ड्रेस है जिसके पीछे ये केप लगा है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। बहुत सुंदर फोटो खिंचवाने वाली आकृति। अब हमने सारे सरप्राइज देख लिए हैं। गम बॉल को ऐसे छोड़ देना थोड़ा शर्मनाक होगा, तो सहायता के लिए बुलाते हैं रॉकी को नए रिसाइकिल ट्रक के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जामुनी गम बॉल के साथ। और अब रॉकी का मनपसंद रंग हरा और थोड़ा बहुत लाल भी और पीला भी, थोड़ा गुलाबी और आखिर में नीला। चलिए रिसाइकलिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। वाह क्या बात है, हमें दो कांच के रंगीन क्यूब मिले जिसमें आप आर पार देख सकते हो। यहाँ है नीला, पीला और लाल। क्या इससे हम रंगों को मिला सकते हैं? चलो देखें नीले और लाल से क्या बनता है। जामुनी, वाह। अब नीला और पीला, ये बनाते हैं हरा, आखिर में पीला और लाल। वाह इन्होंने नारंगी बनाया।
रंगों को सीखने का ये सही तरीका है। मुझे खुशी है हमने इसे रिसाइकलिंग से बनाया। मदद के लिए धन्यवाद दोस्तों, मैंने सब फैला दिया। और मजे किए, अगली बार मिलेंगे।